सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। नरसिंहपुर जिले भर की रेत खदानों को धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा ठेके पर लिए जाने के बाद से लगातार जिले में खूनी संघर्ष जारी है। एक बार फिर रेत के अवैध कारोबार को लेकर दो ग्रामीण पक्ष आपस में भिड़ गए। साली चौका थाना अंतर्गत दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही लोहे की रॉड से भी हमला किया गया, जिसमें चार लोग घायल हो गए हैं। हैरान करने वाला और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घायलों को गाडरवारा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर धनलक्ष्मी कंपनी पर ग्रामीणों ने गुंडागर्दी और धनबल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए मारपीट कराने का आरोप लगाया है। घायलों के मुताबिक कंपनी के लोगों द्वारा उनके दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और फिर मारपीट की गई है, जिसकी उन्होंने गाडरवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में थाना प्रभारी अजय सनकत का कहना है कि प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। आप घायल हैं? जी, ट्रैक्टर हमारे खड़े थे, ये जिन लोग ले गए धनलक्ष्मी वाले, हाँ, और जिनने रेता भर के और चौकी में खड़े कर गोलू चौक से और धनलक्ष्मी वाले, और हमने आज इनको ट्रैक्टर पकड़ो बगैर राल्टी पे तेजी मारो इनने। तो धनलक्ष्मी वाले क्या बगैर राल्टी के भी चलाते हैं? हाँ जी। कैसे पता कि बगैर राल्टी? राल्टी है ही नहीं है सर। अच्छा, और आपके ट्रैक्टर कौन पकड़ के लाए? धनलक्ष्मी वाले और गोदी चौक से रात में खेत में खड़े थे। हाँ। खाली ट्रैक्टर अबे चाबी घर में रखी सर। कौन कौन लेके आए? गोदी चौक से और धनलक्ष्मी वाले। पर मारपीट हुई? जी। साली चौक पुलिस में कार्रवाई कर शिकायत दर्ज क्या हुई? अब हो रही है सर। क्या नाम है तुम्हारा? शिव सिंह। और आपके साथी को जो चोट लगी क्या वजह है, क्या हुआ? ये रात में धनलक्ष्मी वाले तो उनके ट्रैक्टर पकड़ के ले आए। किसके? श्री राम गुजर के दो ट्रैक्टर, तो बिन्ने 12 बजे रात के नदिया भर रहे तो दो ट्रैक्टर जी पकड़ के ले आए। बिन्ने जैसा कहे हमने पकड़वाया ट्रैक्टर, तो एक वजह से तीन चार जनों अंदर घुस के मारपीट करी रात से, बच्चा के राट मारी जाम है और मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर हो गया जरा राट मारी। धनलक्ष्मी वालों क्यों पकड़ा? दो नंबर रेत और राम चोरी भर के ला रहे थे नदी से। कौन कौन पकड़ने गए थे? धनलक्ष्मी मारी पूरी कंपनी गई थी उनकी, मैंने गाड़ी गई थी उनको। आप पे शक करा? हाँ शक है उनको, मतलब हमारी शक की वजह से। इस वजह से झगड़ा हुआ? यही वजह से झगड़ा हुआ, यही वजह से दुकान मारपीट करी, दुकान थोड़ा फोड़ी करी, हमारे 5000 रुपये निकाल के भी ले गए बात जा। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार चौकसी। सर, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट करते हुए किसी दुकान में कुछ लोग दिख रहे हैं, ये मामला क्या है सर? आज दोपहर में पनागर साली चौका चौक के अंतर्गत पनागर में दो पक्षों में वहाँ पर विवाद हुआ है, उस पर पुलिस द्वारा अपना जांच उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ? कहते हैं रेत, अवैध रेत को लेकर कोई विवाद हुआ वहाँ पर? हो सकता है उसमें वो मुद्दा होगा। अवैध रेत को लेकर ऐसी कोई चर्चाएं आई? और सर, सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें चल रही है जिसमें कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात भी चल रही है। रात में दो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए थे, उस बात को लेकर शायद हो सकता है। नरसिंहपुर से अनुज ममार, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।